इस तरह से लेक व्यू आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल मतलब लेक के सामने ही हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं गई हूँ, थोड़ा सा रोड से ही बना रही हूँ, मतलब नीचे को नहीं मैं उतरी हूँ, तो यहाँ से बना रही हूँ वीडियो। तो इस तरह से लंबू भाई बताओ तो क्या हुआ था, क्यों लड़ाई हो रही थी, जरा बताओ तो जरा लंबू भाई। तो फ्रेंड्स बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में बन रही है मंडुए की रोटी, और मेरा थोड़ा सा कैमरा साफ नहीं, शायद मैं करूँगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए इस तरह से बना रही हूँ मंडुए की रोटी। तो ये है मंडुए की रोटी का नाश्ता, करते हैं चले, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं तेरे सर से मांग बनी हुई है, मैंने बनाई थी। बना के सोया था तो रात को, सवा नौ हो चुके हैं और लड़का अभी तक सो रहा है। ये लड़का बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, सिर्फ चेहरा ही दिखाऊंगी, और नंगू होके सो रखा है देखो यहाँ पे नंगू होके सोता है, क्यों होता नंगू होके। नहीं पी तो रहा इसके सारे दोस्तों देख लो, ये नंगू होके सोता है देखो यहाँ पे, नहीं पी रहा बॉडी दिखा गई है। कितने पैक्स है, है, कितने एप्स पैक्स, क्या होते हैं वो, 118 118 एप्स पैक, चार होते छह होते हैं, 118 कहाँ होते हैं, आठ होते हैं। 118 है मेरे तो। उठ कह रही हूँ, आ गया आ गया, आ गया आ गया, रोज तो ऐसी करता आजकल उल्टी, मुंह उड़ती रही है, मैं सो रहा हूँ। उठ उठ उठ, मारूंगी भैया जल्दी उनको तो हटाओ भाई, क्या नंगा बच्चा दिखने में क्या इनमें इंटरेस्ट है, हटाओ तो। नंगा बच्चा देखा किसी ने, इतना बड़ा बच्चा हो भी नंगू उठ कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे घर का एक कोना ये भी है, यहाँ पे ना पहले हम लोग संग जलाते थे, इसमें संग जो मैंने बोला था धूप होता है एक तरह का, वो हम लोग इस मटके में जलाते थे। तो ये जो पत्थर है ना, जो रॉक है, ये नेचुरल है, ये तो कमरे के अंदर में आ गया, अभी हमने इसको बंद कर दिया। उस टाइम खुला था ये, हमने इसको बंद नहीं किया था, तो खुला पड़ा रहता था ये। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पे देखिए दुकान के सामान हैंगर वैंगर वगैरह सब ऐसे रखे हुए इस तरह से, तो ये रखा हुआ इस जगह पे। तो ये जगह देखिए कितना अच्छा साइज में हमने ये फिक्स करा हुआ है, जो मटका है इसको इस तरह से फिक्स करके, तो इस तरह से ये पूरा पत्थर है ये, इस तरह से मैं दिखाती हूँ दूर से। तो अभी दुकान का सामान इसमें ऐसे गटर पटर हमने इसमें रख रखा है, ऐसे थोड़ा बहुत जो फालतू सामान था वो रखा हुआ है। तो इस तरह से ये कमरा, इसमें हमने इस वाले एरिया को ना छेड़ा नहीं, जैसे अच्छा लग रहा है ऐसे कमरे के अंदर से, नेचुरल सा पत्थर सा बड़ा सुंदर सा एक वो लग रहा है इस तरह से। तो हमने सारा कूड़ा कचरा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, और इसमें नीचे टाइल देखिए मल्टी कलर टाइल्स है, जो बची कुची टाइल्स थे हमने सब इसमें लगाई, क्योंकि गोदाम काइंड ऑफ था ये, गोदाम की तरह ही बनाया गया था। तो मल्टी मल्टी टाइल्स है इसमें सारी, ये बाथरूम के टाइल है, ये ऊपर फ्लोर की टाइल है, फ्लोर का बॉर्डर है, ये वाले बाहर वाले फ्लोर का टाइल है, और वो वाले अंदर का टाइल है, मतलब सब जगहों का टाइल वाइल सब इसमें से लगा रखा हमने, सारा बचा कुचा जितना भी टाइल था हमने इस वाली जगह पे लगा लिया था, जो भी टाइल्स बची थी हमारे पास। तो ये एक कोना है हमारे घर का। तो फ्रेंड्स ये जो चेहरा था, क्या बना रहा है बता दे, चल थोड़ा सा उधर इधर आ जाने, माता इतना गंदा लग रहा है, यहाँ यहाँ को आगे बता, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमेशा इन सब लोगों को पसंद है तो मेरा बच्चा। तो बताइए भाई साहब क्या बना रहे हैं आप, जोर से बताएं, जरा सुनाई नहीं दे रहा है। टाइम कितना हो रहा है अभी, 10:10 हो चुके हैं, और भाई साहब का नाश्ता बोल रहा है, मैं जा रही हूँ दुकान, और ये बना रहा अपना नाश्ता खुद से। तो ये बना रहा है, गैस बंद है तेरा, क्यों इसमें नहीं बनेगा, ऐसे भुर्जी बना रहा है। तो देखिए मसालेदार भुर्जी बना रहा है लड़का अपना, क्या उसमें देखा, क्या रेसिपी देखा तूने, मोबाइल क्यों पड़ा रहा। तो चले मैं दुकान को निकल रही हूँ ना, लेट होगी, मैं 10 बज चुके मुझे आज घर में, कल मैं इससे मैं दुकान पहुँच चुकी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर है आज, और मैं निकल रही हूँ दुकान की तरफ, सुबह के बज चुके हैं 10:10 हो रहे हैं, तो मैं दुकान जा रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि कल मैं इस टाइम पे क्या है कि दुकान पर पहुँच चुकी थी, 10:10 मैं दुकान पहुँच चुकी थी, तो आज मैं हूँ थोड़ा सा लेट। आवं जी गई मैं, तो चलिए मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ, मैं लेट हो गई हूँ यार थोड़ा सा, छोटू को भेज रखा हुआ, तब तक दुकान खोल के भी नहीं रखा होता उसने, खोलने में टाइम लग जाता उसको। तो चलिए आज दिन भर क्या हम लोग करते हैं, क्या मेरा रूटीन रहता है, मैं वही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आजकल इधर उधर जा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा कहीं भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ दुकान से, तो आप सबको पता ही है जैसे कि मैं दुकान पर अकेली हूँ छोटू के साथ, तो फिर कहीं जाने का वक्त नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं दुकान का ही शूट कर रही हूँ, जैसे कस्टमर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या इस टाइप का मेरा थोड़ा बहुत शूट हो जा रहा है, शुक्र मनाए वो थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है, वरना टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो चलिए मिलते हैं जाके दुकान पर। मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे नगर पालिका बिल्डिंग के पास, ये है सामने को नगर पालिका की बिल्डिंग। बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो फील्ड में आप देख सकते हैं अभी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है, लोग इधर उधर बस जो हल्के फुल्के से घूम रहे टहल रहे हैं, तो कोई एक्टिविटीज़ कोई गेम्स अभी नहीं चल रही है, सुबह सुबह होती हैं तो अभी धूप लगते सब गेम्स खत्म हो जाती हैं, फिर शाम को ना इवनिंग में फिर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब कुछ ना फिर शाम को ही चलता है, तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर दुकान की तरफ, यहाँ से लेक व्यू भी आप देख सकते हैं सामने को, हल्का हल्का सा लेक नज़र आ रहा है। तो चले मैं निकलती हूँ आगे, देखती हूँ अगर हुआ वहाँ पे बैठने की, अगर मुझे जगह मिलती तो मैं जाके बैठ जाऊँगी वहाँ पे लेक के पास में। तो चलते हुए वीडियो बना रही हूँ, शायद हिल सकती है, तो चलिए मैं बंद करती हूँ इससे पहले कि वीडियो हिले और आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुए। तो फ्रेंड्स अगेन भीड़ है इस वॉल पे, जो बाउंड्री वॉल यहाँ पे जहाँ पे हम बैठते, तो इसमें भीड़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सुबह सुबह लोग ना टूरिस्ट जो है ऐसे ड्रेस पहन के फोटो खींच रहे, कितनी अच्छी लग रही है ये जो भी हैं, तो अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं।
और कलर भी बहुत सूट कर रहा है इन पे, मजेंटा कलर का ड्रेस पहन रखा, बहुत ही प्यारा लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है ड्रेस भी इन पे ना, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सूट कर रही है इन पे, ये कर रहा है ये कलर ना। तो इस तरह से लेक व्यू आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल मतलब लेक के सामने ही हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं गई हूँ, थोड़ा सा रोड से ही बना रही हूँ, मतलब नीचे को नहीं मैं उतरी हूँ, तो यहाँ से बना रही हूँ वीडियो। तो इस तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बोट्स है, यहाँ पे जो बोट स्टैंड है ना, फर्स्ट जो बोट स्टैंड फील्ड के पास में, सबसे जो पास वाला बोट स्टैंड है, ये बोट हाउस क्लब के पास ही है, तो यहीं से आप बोट ले सकते हैं आगे बोटिंग करने के लिए। तो इसके बाद फिर आगे आपको मॉल रोड पे काफी जगहों पे बोट स्टैंड ऐसे मिलते रहेंगे, अलग अलग जगहों पे बोट स्टैंड हैं, तो आप फील्ड में अगर है तो मोरिया मार्केट में है, तो सबसे पास वाला बोट स्टैंड यही है आपके, यहाँ पे वाला पत्ता गिरा मेरे ऊपर, मैं डर गई, मेरे का क्या हुआ। तो इस तरह से सुबह सुबह का क्राउड है, तो जो रोड साइड मार्केट जो लगती है, फड़ वाली जो मार्केट लगती है ना, इसमें पता है कि आजकल 4 से 6 बजे का टाइम कर दिया गया है, मगर जो खाने पीने वाले स्टॉल है वो लगे हुए हैं अभी भी, खाने पीने वाले स्टॉल अभी भी लग रखे हैं, बाकी जो सामान है वो नहीं है। अच्छा ये लगा हुआ एक शूटिंग वाला, बाकी सब जो खाने पीने वाले उस साइड से ही लगना स्टार्ट हो चुके हैं और लग भी चुके हैं, तो बाकी लोगों के नहीं लग रहे हैं अभी। तो इस तरह से है रोड साइड मार्केट का, तो ये फील्ड है यहाँ का, ये देखिए जो बड़ा सा फील्ड, मैं रोज ही दिखाती हूँ रोज के ब्लॉग में, तो ये वाला फील्ड है वो। इस तरह से तो मैंने आपको यहाँ पे पास से थोड़ा सा लेक व्यू दिखाया है। मैं चलिए अभी चाहती हूँ दुकान पे, देखती हूँ क्या चल रहा है दुकान पे। तो सामने से आ रही है बसंत आंटी, बसंत आना भाई, क्यों सर झुका के जा रहा, आना, अच्छा आ रहा है काम पे, तू दिन में आ जाना, तेरा खाना मंगवा दूँ, लंच घर से मंगवा दूंगा, ठीक है, तो लंच घर से आ जाए तेरा। तो ये आजकल भीड़ भाड़ हो रही है, तो मैं बसंत को बुला देती हूँ, बसंत आ जाता है मदद करने के लिए दिन में। ऐसे फिर वो सुंदर नज़ारा, खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को एक बार फिर से दिखाते हुए चलती हूँ मैं, कैमरा मैं कोशिश कर रही हूँ कम हिलाऊं, पर थोड़ा बहुत हिलेगा शायद ना, कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से कम हिलाऊं। तो इस तरफ को आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मकान बने हुए ऊपर को, घिचपिच है ऊपर तक पूरा। तो चले मिलते हैं शॉप पे जाके, मेरे हाथ में हो गई है दर्द अभी। तो फ्रेंड्स मैं अभी शॉप पर आई ही हूँ, पहुंची ही हूँ, तो मैं सामने देख रही हूँ कि बहुत सारा कूड़ा अभी सब जगह पूरी फील्ड में ऐसे कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, आज शायद क्या बात हुई होगी, झाड़ू नहीं लगा हुआ है आज पूरे फील्ड में, क्यों नहीं लगा है ये मुझे अभी रीजन पता नहीं, शायद दिन तक मुझे पता चल जाए तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हड़ताल है या क्या है, पता नहीं जो भी है ना। तो जगह जगह पे आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर पड़ा हुआ, देखिए वहाँ सामने देखिए, यहाँ बिल्कुल हमारे सामने जो पोल है ना, ये पोल को देख के लोग यहाँ पे इस पे थूकना है सब कूड़ा कचरा इस पे डालना सब ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पोल की आड़ में लोग बहुत ही मतलब गंदगी यहाँ पे फैलाते हैं दुकान के आगे, जो भी हो टूरिस्ट हो चाहे हमारे लोकल मार्केट वाले, वो लोग भी सब आके कूड़ा सब यहाँ पे डाल देते हैं इसके सामने में, ये पोल जो मेरी दुकान के सामने पड़ता है जिसमें कि, तो इससे मुझे ये नुकसान हो जाता है कि सारा कूड़ा कचरा हमारे दुकान के सामने से हमको नजर आता है। तो इस तरह से जगह जगह पे आप देखेंगे आज ना कूड़ा पता नहीं क्यों फैला हुआ है इस तरह से, तो आज झाड़ू नहीं लगाया गया है, क्या वजह रही होगी ये मुझे नहीं मालूम, वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए मैं अभी यही दिखाना मैंने आपको था, तो चले थोड़ी देर में मिलते हैं, तो अभी दुकान मेरी लगी नहीं, छोटू दुकान लगा रहा है अभी, तो उसके बाद ही मैं अंदर जा पाऊंगी। तो फ्रेंड्स आगे कुछ पंगे शंगे हो रहे हैं, तो वोवो UK04 चला गया शूट करने के लिए, वहाँ कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, खतरनाक लड़ाई चल रही है आगे इस वाले रेस्टोरेंट में चल रही है, क्वालिटी में कल रात से चल रही है लड़ाई, तो अभी तक भी जारी है ये लड़ाई। तो ये से तो यूक्रेन और रशिया को भी फेल कर दिया लड़ाई में भैया, यूक्रेन और रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना करण और लंबू भाई जो है ना मजाक कर रहे थे एक दूसरे से, एक दूसरे की शॉप के बारे में बुरा बुरा बोल के, तो चलिए देखिए मजे। ये देखिए इनको गुस्सा चाहिए। दो जैकेट ये भोटिया मार्केट से खरीदे थे और उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा वो चाट वाले खाना खा के आए हो, वापस करने के लिए मर गए हो। तो ये दोनों देखो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं यहाँ पे मिलके। दो जैकेट भोटिया मार्केट से खरीदी थी वो खराब होगी, पहन के मरा तो नहीं ना है लंबू, पहन के मरा तो नहीं कोई, मरा तो नहीं पहन के, ये जैकेट पहन के मर गया। और कौन जो खा के मर गया, फूड पॉइजनिंग, मर खत्म बोल रहा है, अभी बनाया है वहाँ पे, आदमी खा के मर गया। कौन सा रेस्टोरेंट है वो, अभी डॉक्टर उत्ताल का 8 नंबर लगाना पड़ेगा, 8 नंबर। ये मैं पक्का डालूंगी, ये मैं पक्का डालूंगी यार, ये तुम्हारा जो मजाक चल रहा था ना खतरनाक वाले में डालने वाली यूट्यूब पे, अच्छी चीज मैं डालना है, ये तो मैं डालूंगी आप दोनों का, ठीक है। डॉक्टर लोगों से, अच्छा यहाँ से खाना खिलाते हैं डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग होता है वहाँ, डॉक्टर पैसे कमाता है, कमीशन मिलता है। लंबाई देखना जरा सही में, हमारे सरगना है निर्मलदा 8 नंबर जो होटिया मार्केट के सरगना हमारे वही है, जो जो मजेदार से करते हैं भाई, जो मजेदार करते हैं वो हमारे निर्मलदा है 8 नंबर दुकान वाले होटिया मार्केट के।
तो फ्रेंड्स मेरी शॉप पे आए हैं यूट्यूबर अमित शाह जी और नासिर भाई आए हुए हैं, तो ये लोग ना भी सब्सक्राइबर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं शॉप पे, तो इस तरह का चल रहा। तो मैंने सोचा चलो ये लोग अपना शूट कर रहे हैं तो मैं भी अपने इस तरफ से शूट कर लेती हूँ, तो इस तरह का चल रहा है कुछ। तो चलिए देखें ये लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ जरा क्या क्या ये लोग पूछ रहे हैं, इनका क्या क्या इंटरव्यू ले रहे हैं मैं सुन लूँ जरा। देखिए नासिर भाई है, नासिर भाई को देखिए, रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हमारे नासिर भाई जी हैं। तो फ्रेंड्स आजकल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलने आ रहे, कल भी काफी सब्सक्राइबर्स आए थे, तो आज भी देखिए आए हैं क्या हरिओम साहू जी, तो मतलब इनके कमेंट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं हमारे ब्लॉग में भी और लाइव में भी आते रहते हैं। तो ये हरिओम साहू नहीं, हरिओम साहू थे एक जो कमेंट करते हैं, हरिओम साहू वही है शायद, एक ही हरिओम के कमेंट्स आते हैं, दो के नहीं आते, एक ही हरिओम के आते हैं। अच्छा नहीं मैं नहीं बोलती, तू बोलता है। तो नासिर भाई आप बताएं क्या चल रहा है आज? बहुत बढ़िया चल रहा है भाभी जी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है और काफी समय लोग घूम रहे हैं और लोग भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं सामने देख सकता हूँ कि अमित के कुछ फैन वगैरह आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है फिलहाल। चलिए नासिर भाई, तो देखिए फ्रेंड्स आज भी आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, तो इस तरह से अमित जरा फोटो शोटो खींच रहे हैं, वीडियो शीडियो बना रहे हैं अमित भी, तो ये सब अमित का डिपार्टमेंट है। तो मैंने भी आजकल ले लिया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता आजकल कुछ करने का, तो मैं इस तरह से ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज। और ये लड़का कुछ नहीं करेगा, ये दुकान जाएगा बस गप्पे मारेगा और घूमेगा फिरेगा लौट के आएगा, बनाएगा ब्लॉग कल से। हेलो हेलो हेलो, ये देखो बिल्ली हम पकड़ के लाए आज जंगल से, जंगली बिल्ली कैसी लग रही है, जंगली बिल्ली। तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ है फिर से पेमा योटे, क्या नाम है आपका मैडम? पेमा योटे। और हिंदी में? प्रेमा। हाँ हिंदी नेम इनका पेमा योटे ने, बुद्धिस्ट नेम इनका है पेमा योटे। तो पेमा योटे जी बहुत दिनों बाद हमारे आए हैं, तो हमने अभी चाय पी है, चाय पी के हम लोग फारिग हुए हैं। चाय एक भी टेस्ट नहीं दिया, दीवान को चार चाय का दो चाय का पैसे देने। ऐसा मत करो, व्यूअर्स सोचेंगे कितनी जाली में ये औरत, गरीब चाय वाले के साथ पानी वाला चाय पिलाया। तो चाय सच में बहुत ही बेकार थी दीवानी, बहुत ही घटिया चाय थी, पर तू देखता भी नहीं होगा मेरे चैनल, मैं सब्सक्राइब कराती हूँ, रुक जा। अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड्स आज पता क्या, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है आज, आज काम नहीं है, कल बहुत अच्छा काम था पता, आज पता नहीं काम बिल्कुल खत्म, जीरो जीरो बटा सन्नाटा है आज। तो चलिए देखते शाम तक शायद थोड़ा हो जाए कुछ काम काज का, कि आजकल हम ब्लॉगिंग बनाने जा नहीं पा रहे हैं, आज के भीड़ हो रही है ना इसलिए दुकान में देखना, और मैं अकेली हूँ, मेन बात तो ये है। इनके मिस्टर जी गए हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद 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 प्रयागराज, मुँह के अंदर बैठोगे क्या मेरे मुंह के अंदर घुस के बोलूंगी यार, अलाबाद अलाबाद मुंह के अंदर ही आ जा रही है, ये देखो व्यूअर्स मेरे मुंह के अंदर आ जा रही है। अरे देखो मैं तो अपने बाल देख रही हूँ, वही इतनी खुशी हो रही है अपने बालों पे, मेरे बाल देखो कैसे चंपू हो रहे हैं, चमक रहे हैं। भैया आपकी मेहंदी लगी हुई है, मैंने मेहंदी लगाई नहीं पता क्या, मैंने अभी तक ना बालों में डाई नहीं करा, ये देखिए सफेद बाल मेरे, सफेद दी की चमक रही है, ये दिखाऊंगी नहीं। तो चलिए सोच रही कर दूं खत्म वीडियो, आ जाएंगे एंड कर दूं, क्या बना था बस यही थोड़ा सा दुकान। तो ये सर ने लिया है जैकेट एक, और मैडम सोच रही है, बड़ी सोच में है अभी तक, ले नहीं रही है, लेंगी नहीं लेंगी बताएं आप, रिकॉर्ड हो रहा है आपका भी नहीं? अच्छा सच्ची बताएं अभी, पसंद आया था अच्छा, पर रेट ज्यादा लग रहा है, कम से कम रेट है। चले ठीक है, तो मैं कस्टमर्स के साथ भी शूट कर रही हूँ थोड़ा सा, तो चले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम के बज चुके हैं 6, तो आज का दिन भी निकल चुका है ऐसे ही मिलते जुलते सा। तो आज काफी सब्सक्राइबर्स आज भी आए थे, तो मैंने ना वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि हमेशा हम नहीं शूट कर पाते, कभी कभार शूट कर लेते हैं, तो मैंने नहीं शूट करी, भी अच्छा भी नहीं लगेगा, लोगों ने बोला कि रोज भी सब्सक्राइबर्स से ही मिला रहे हैं, तो इस तरह का रह जाता। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं करूँ शूट, क्योंकि बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स आए थे आज मेरे, क्या कहते हैं वहाँ से नोएडा से आए थे, उनके साथ तो मैंने कल शूट किया था, फिर हरिद्वार से आई थिंक मैम, उनके साथ भी मैंने शूट नहीं किया, और अल्मोड़ा से भी आई थी मैम, उनके साथ भी शूट नहीं कर पाई मैं, तो नहीं किया मैंने आज शूट, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार रोज का रोज वही कंटेंट सेम, तो इस करके मैंने नहीं शूट किया। तो चलिए आज का जो वीडियो आप देखिएगा, मतलब बताइएगा, देख तो चुके हैं आप लोग, तो बताइएगा कि कैसी बनी है, मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कैसी बनी है वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।